أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا

उसके रब ने ये हाँ जमीर किधर जा रही है जो इससे पहले आयत हमने तिलावत की थी बीबी मरियम की वालदा की तरफ उन्होंने कहा था ना इन्नी समई तो हाँ मरियमा हमने इसका नाम मरियम रखा है ठीक है यहाँ पर हाँ जमीर इस्तेमाल हुई है हालाँकि मरियम तो उनके सामने ही होंगी ना तो उन्होंने अल्लाह तला से जब बताया तो उन्होंने यानी उस बच्ची का नाम यानी जो मेरे घर में तशरीफ़ लाई है उसका नाम हमने मरियम रखा है ये ये गायब के लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है बहरहाल तो ये जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह बयान फरमाया कि रब वो हा उसका रब तो ये हाज अमीर जा रही है बीबी मरियम की वालदा की तरफ ठीक है तो उसके रब ने अच्छी तरह कबूल किया किस तरह हसन बहुत ही ख़ूबसूरत अंदाज में अल्लाह ने उनकी दुआ को क़बूल फ़रमाया और उनकी मन्नत को भी कबूल फ़रमाया ठीक है अच्छी तरह कबूल किया और उसे अच्छा परवान चढ़ाया वह अम ठीक है अम बतायम तो जो कोई चीज़ उगती है ज़ाहिर उगती है जब ज़मीन से तो वो बड़ी भी होती है ना उसकी नशो नुमा भी होती है इसी तरीके से बच्चे की भी नशो नुमा होती है तो अल्लाह ने उसे अच्छा परवान चढ़ाया अच्छी तरीके से उनकी नशो नुमा हुई अफजाइश हुई अच्छी तरीके से हसाना ठीक है अम है नबाता हसाना नबाता अलग सीखा है और अम अलग सी है ठीक है ये दोनों अलग अलग बाप से आ रहे हैं अच्छा रिस्क और उसे ज़करिया के निगरानी में दिया ये बहुत बड़ी सदत की बात है कोई मामूली बात नहीं है कि एक नबी जिसकी परवरिश करें तो वो कोई मामूली बात नहीं होती नबी की शान बहुत बुलंद वाला होती है और उसे जकरिया की निगरानी में दिया ठीक है वह ज़करिया जक्रिया कफ़ील कहते हैं ना कफ़ील ठीक है ये खुद कफील है अच्छा ख़ुद कफ़ील वो होता है जो अपनी कफारत खुद करता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भी कफालत करते हैं उनके देखभाल उनके खाने पीने का बंदोबस्त वगैरह करना तो जकरियाल उनके कफ़ील बन गए बीबी मरीम की ठीक है जब ज़करिया उसके पास उसकी नमाज पढ़ने की जगह में कहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं कुल नमा जब कभी या जब भी दखला दाखिल होते अलिया उनके पास किसके मरियम के पास ठीक है कौन आता ज़क्र ही नमाज़ पढ़ने की जगह में जहाँ बीबी मरियम नमाज़ पढ़ती थी जहाँ वो इबादत करती थी अब ये उनके थोड़े बड़ेपन की बात है उनकी अच्छी तरह परवरिश हो गई नशो वनुमा हो गई फिर उनकी जो है तरबियत और कफालत के लिए ज़करियालम की निगरानी निगरानी में उनको दे दिया गया फिर जब जहाँ वो इबादत करती थी बीबी मरीम जब वहाँ पर जकर्या तशरीफ़ लाते तो फरमाया कि जकरिया उसके पास उसकी नमाज़ पढ़ने की जगह जाते ठीक है उसके पास नया वजदा पाते क्या चीज पाते इंद हा ये हाज बीबी मरियम की तरफ जा रही है पाते उसके पास रिजका ठीक है रिस्क पाते बीबी मरियम के पास रिस्क तो रखा होता है पे नहीं खाने पीने की अशिया रखी होती तो पूछते फरमाते ए मरियम कहा ए मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया यहाँ मरियम हो ऐ मरियम अन्ना लकी हाजा अन्ना कहाँ से तुम्हारे पास कहाँ से ये चीज आ गई ठीक है तो वो बोली कि तो मैंने वो बताती वो फरमाती वो कहती बोलीं वो अल्लाह के पास से है ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ अल्लाह के पास से है ये हुआ मैंने अंदा ठीक है ये अल्लाह के पास से है बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे ठीक है जिसे चाहे अल्लाह ताला अल्ला याज़ु को अता फ़रमाए या देता है या दे या देगा ठीक है तो यहाँ पे तो दे, दे, देने के माने में है ना कि अल्लाह ती तो तो जिसको चाहे बेगिनती अता कर दे ठीक है जिसको चाहे मंगय शाह जिसको चाहे बगैर हिसाब बगैर कोई हिसाब किताब के अल्लाह ताली उसको अता फ़रमाए ये तो अल्लाह की शान है उसकी कुदरत है जिसको जिस तरह चाहे उसको अता फरमाए चाहे तो अपनी कुदरत की निशानियों में से किसी को तंग कर दे रिस्क और किसी को वाफर कर दे ठीक है फरावानी के साथ दे ये अल्लाह की उसकी कुदरत और उसकी शान है चाहे तो जंगल में आपको रिस्क फराम करे चाहे तो आपको घर में ना दे ठीक है तो ये बीबी मरियम की जो यहाँ पर उनकी करामत का जिक्र है तो अभी हम इस सब पर बात करेंगे इन बस आप इतनी बात देख लीजिए अहमद रजा के तर्जुमे में कि वो अल्लाह के पास से है बीबी मरियम का जवाब होता है वो अल्लाह के पास से है और जवाब में एक बात और भी कहती हैं कि बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेगिनती अता करे ये अहमद रज़ा का तर्जुमा आपने देख लिया अब आइए पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि हज़रत ज़करियालामाम और बीबी मरीम असलम इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या था रिलेशनशिप जो है इसके बारे में बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं मुफसरन यानी लिखा है इसके बारे में इनकी किताबों में तो हम देखते हैं कि ग़ुलाम रसूल सईदी साहब जो बरेलवी हैं ये क्या कहते हैं इन्होंने क्या लिखा है पहले मैं आपको इनका दिखा दूँ फिर उसके बाद और भी मुफसरन का बता दूँगी कि उन्होंने क्या लिखा है ये इन्होंने लिखा है कि ये हज़रत मरीम बिन तेमरान की बहन से शादी की थी ये किसके बारे में बता रहे हैं बता रहे हैं कि हज़रत ज़करिया हज़रत मरीम बिन तेमरान की बहन से शादी की थी जकरिया जी नबी हैं ये अम्बिया जो बुजुर्ग हैं ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ ये कोई ज़्यादा पुराना ज़माना इनका नहीं है ये आखिरी आखिरी अम्बियाँ हैं ये समझ लीजिए कि ज़करियालम यहियालम और ईसीम और ईसीम के बाद आपको पता है कि फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ज़माना नबूत से ख़ाली था ठीक है जो कि ज़माने फ़तरत कहलाता है तो ये समझ लें कि ये नबियों के यानी आखिरी आखिरी ज़माने हैं कि इसके बाद फिर ज़ाहिर है सिलसिला नबूत यानी फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर ही मुहर लगा देते हैं ठीक है ख़त्म नबूत की तो अब ये देखिए कि यहाँ क्या यहाँ पर यहाँ ज़िक्र किया है हज़रत ज़करिया और इमरान ने दो बहनों से शादी की थी दो बहनों से क्या मुराद है कि एक बहन इमरान के निकाह में और एक बहन जकरिया अलैहिस्सलाम के निकाह में तो दो बहनें हो गई दोनों बहनें आपस में यानी एक दूसरे के निकाह में यानी एक इनके निकाह में एक इनके निकाह में हो गई तो दोनों बहनों ही हो गए ना इमरान और जकरिया अलैहिस्सलाम यानी ये दोनों जो है एक तरह से अब यानी इन इनकी जो जोज थी इनके बहनों जकरिया अलैहिस्सलाम हो गए और जकरिया अलैहिस्सलाम की जोज जोज यानी वाइफ़ को कहते हैं या आप कहें कि इस तरह से यानी शोहर को भी कहते हैं बीवी को भी कहते हैं ठीक है यानी हस्बेंड एंड वाइफ दोनों के लिए ज़ोज़ का इतलाक़ होता है ठीक है जोज़ यानी बीवी या ज़ोज शोहर जिसके लिए भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो अब ये एक दूसरे के लिए बहनोई बन गए ना एक दूसरे के बहनोई बीबी मरीम की वालदा के लिए ज़करिया इस्लाम उनके बहनोई हो गए और जकरिया इस्लाम की जो ज़ोज़ थी उनके बहनोई कौन हो गए इमरान हो गए लेकिन ये बात सही नहीं है क्यों सही नहीं है इसके बारे में सही हदी शरीफ मौजूद है हम उसकी रोशनी में फिर देखेंगे कि बात क्या है ठीक है अच्छा तो निकाह में थी वो जब औलाद से मायूस हो गई तो उनके यहाँ मरियम पैदा हुई ये बात इन्होंने लिखी है लेकिन हमें अहादी से मुबारक से ऐसा कुछ नहीं मिलता और इन हज़रा ने बहुत सारी बातें लिखी हैं बहुत क्योंकि इनकी तफसीर जो है ना काफ़ी डिटेल्ड में है बहुत तफसीली है बारह मोटी मोटी जिल्दें बारह जिल्दें हैं ठीक है तो अब हर एक के बस की बात नहीं है कि इतनी ज़्यादा डिटेल जो है वो पढ़े समझे और फिर इतना ज़्यादा उसके पास वक्त हो तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है जो बातें हदीस शरीफ से साबित हैं बस हम उस पर ईमान रखते हैं जो हमारे अमल के लिए हैं। हम उस पर अमल को अपने यानी अपने अमल में लेकर आएंगे और जो बातें इसके अलावा हैं उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है ठीक है ना हमें इतना वक्त दिया गया ना इतनी फुर्सत है ना ही इतना हमारे पास दिमाग भी है ठीक है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इतनी डिटेल में जाएँ बस जो कुरान मजीद ने बयान किया वो हमारे लिए काफ़ी और उशाफी है फिर जो अहदीस में उसकी तफसीर हो गई और सहाबा रदी अल्लाह ताल समझ कर अमल करके और अमल करके हमें बता दिया हम तक पहुंचा दिया हमें तब अमल अपना दिखा दिया तो हमारे लिए बस वो काफ़ी और शाफ़ी यानी एनफ है हमारे लिए तो अब हम आगे चलते हैं और जो मौलाना तकी उस्मानी मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहलाए जाते हैं कहे जाते हैं उन्होंने भी यही बात बयान की है कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे अलैहिस्सलाम लेकिन हदीस शरीफ़ में इसके ख़िलाफ़ बात है ठीक है मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों ने इन इना ने किताबें यानी अहादी की पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं या सरसरी पढ़ी हैं या अधूरी पढ़ी हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो बात लिखी है वो सही नहीं है वो हदीस शरीफ़ के खिलाफ है ठीक है सही हदीस शरीफ के ख़िलाफ़ है तो इसलिए मैं उस बात को नहीं मानती जो हदीस शरीफ़ के खिलाफ हो तो अब आगे देख लीजिए कि ये पीर साहब क्या लिखते हैं ज़ियाउल कुरान वाले पीर साहब ठीक है इधर आइए इनको भी दिखा देते हैं इन्होंने क्या बयान किया है पहले तो इन्होंने कुछ कबूलियत के बारे में बयान किया कि हज़रत हन्ना या हन्ना की दुआ की कबूलियत का ज़िक्र है हज़रत मरीम के मकबूल होने की ज़ाहरी अलामत ये मुक्रर फरमा दी कि उनकी तरबियत वक्त के नबी ज़क्रिया के सुपुर्द फरमा दी अब इन्होंने थोड़ी सी इस पर बात की है कि सहबत की ठीक है कि अगर कामिल मुर्शद और मुरबी मिल जाए तो ये भी अल्लाह ताली का बहुत बड़ा इनाम है लेकिन कामिल मुरशद और मुरबी के चक्कर में जो हम जाली पीरों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो हमारा हशर हो रहा है जो हमारा मामलात हो रहे हैं तो वो कानों को हाथ लगाने की ज़रूरत है और पढ़ें ठीक है अल्लाह ताला से पनाह तलब करें कि जो ये कामिल मुर्शिद के नाम पर जिस तरह सा जिस तरह से दीन का हलिया बिगाड़ा है तो बस पनाह मांगने की ज़रूरत है क्योंकि कहाँ तो फितने के दौर के लोग फितना परवर लोग और कहाँ नबीमाम तो क्या दोनों चीज़ें कैसे यानी या एक हम पल्ला या हम पाए की हो सकती हैं सवाल ही पैदा नहीं होता बहरहाल इन्होंने ये बात लिखी है तो वो यहाँ तक तो ठीक है कि जो जकरिया इस्लाम अम्बिया या जो जाहिर ऑथेंटिक हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही वो बिल्कुल अगर वो मिल जाएँ तो ये इंसान की यकीन दुनिया और आखरत संवर जाए फिर तो उसके बाद इन्होंने एक शेर भी लिखा है देख लीजिए अगर कोई शुएब आए मैसर ठीक है यानी शुयब सु मूसा इस्लाम को शुब्म मिले थे ना मदियन जब बात गए थे हिजरत करके तो उसी पर इन्होंने ये गालिबा शेर लिखा होगा अगर कोई शुब आए मयसर शबानी से कलीमी दो कदम है तो मूसा सलातम यानी फिर आपको यानी अल्लाह ताला से कलाम करने का शरफ़ हासिल हुआ था ना लेकिन अगर शुयब मैसर आए ठीक है हालांकि ये बात ठीक है लेकिन यह है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको नबी चुना गया था तो बहरहाल लेकिन ये बात याद रखें कि शबानी से कलीमी दो कदम है ये तो है कि अगर कोई आपको वाकई मुर्शद कामिल मिल जाए तो इस दौर में तो आप सोचिए भी नहीं अगर होंगे भी तो छुपे हुए होंगे जो आपको वली ज़ाहिर कर रहे हैं ना कि वो वली हैं तो जो अपने आप को खुद बता रहा है कि वो वली है तो वो बताए ना कि उसके पास इस बात की कोई दलील है कि वो अल्लाह का वली है दलील भी तो दे कुल हा तो को लात बुरहान गकुमको तुम सवादीन आप कह दीजिए कि हाथो तो बुरहाना गुम लाओ ना बुरहान दलील लेकर आओ अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो हम कैसे मान लें तो शबानी से कलीमी दो कदम है ये तो बात है लेकिन अगर अगर तुम तो मैसर ना आए तो क्या होगा तो शैतानी से शैतानी से या शैतनत से या खबा खबासत दो क़दम है ठीक है फिर क्या होगा कि अगर आप उल्टे सीधे लोगों से जाके आप मिल गए तो फिर आप ना ये शैतानत से ही मिल जाएंगे, ठीक है फिर आप शैतानी शरारतें जो है ना फिर दूर नहीं होंगी आपसे ऐसे ऐसे फितनों में शैतान मुबला करेगा ना ऐसी ऐसी यानी आपके साथ वो चार सौ बीसियाँ करेगा कि बस आपको दुनिया और आखरत तबाह करके छोड़ देगा तबाह करके बर्बाद करके तो वो है ना सरफ्रखान में सुरफुरखान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वकान शैतान लिल इंसान आप शैतान इंसान को क्या करता है कि बेयारो मददगार छोड़ देता है ठीक है धोखा दे देता है उसको जलील करके छोड़ देता है ठीक है उसको उसको यानी बिल्कुल जलील और रसुआ कर देता है शैतान शैतान का तो काम ही यही है फिर उसके बाद इन्होंने महराब के लघवी माना बहुत ज़्यादा यानी बताए हैं उसकी डिटेल बताई कि महराब के क्या क्या माना है ठीक है अच्छा महराब वैसे ऊंची जगह को कहते हैं जो मस्जिद में जहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं उसको भी महराब कहा जाता है बस तो इतनी बात आपके लिए काफ़ी है महराब ऊंची जगह को बुलंद जगह को भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर महराब आ, की जो है डिटेल मकसूद नहीं है महराब यानी वो जगह जहाँ पे बीबी मरियम रहा करती थी जो उनका हुजरा था यहाँ पर इतनी बात काफ़ी है ठीक है यहूद नसारा के यहाँ ये बात राइश थी कि वो आ, एक ऐसी जगह बनाते थे जहाँ पर वो रहते थे और इबादत करते थे उसे वो महराब उसका नाम देते थे तो यहाँ वो लघवी माना मुराद नहीं है कि वो महराब यानी जो मस्जिद में इमाम साहब के लिए बनाया जाता है बुलंद जगह पर बल्कि यहाँ पर वो एक असलाह माना है कि जो उनका हुजरा था बीबी मरीम का उसको महराब कहा गया इससे पहले हमने आयात तिलावत की थी कि बीबी मरियम की वालदा ने उनका नाम रखा उनको अल्लाह ताला की पनाह में दिया उनके औलाद को भी अल्लाह की पनाह में दिया शैतान मरदूद के शर से और उनका ख़ूबसूरत सा नाम रखा बीबी मरीम तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों का खूबसूरत सा नाम रखें अच्छा सा नाम रखें उल्टे सीधे नाम ना रखें बेमाना नाम ना रखें या कोई ऐसे माना कि यानी जो कि मुनासिब ना हो नाम के मुनासिब हाल ना हो ऐसा ऐसे माने जो मीनंगस हों वो नाम भी ना रखें और अच्छे से नाम बच्चों के रखें टिंकू पिंकू डिंकू ये सब भी ना रखें ठीक है और और बहुत सारे नाम हम रख लेते हैं जैसे दुआ है दुआ नाम रख लेते हैं तो दुआ तो यानी एक अच्छा सीगा है लेकिन ये नाम के लिहाज से मुनासिब नहीं है क्योंकि दुआ का मतलब होता है मांगना पुकारना आवाज़ लगाना दावत देना बुलाना ठीक है तो ये किसी भी लिहाज से ये किसी बच्ची का नाम रख देना सही नहीं है जिस जिस तरह से भी इसके आप मीनिंग्स निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बुलाना पुकारना दावत देना आवाज़ लगाना मांगना ठीक है तो ये आप उर्दू में आप किसी का नाम रखेंगे मांगना यहाँ आइए ठीक है पुकारना यहाँ आइए दावत यहाँ आइए ऐसे तो आप नहीं कहते ना तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए और बेहतरीन नाम बयान किए गए कि बेहतरीन नाम वो हैं कि जो अल्लाह के नाम पर रखे जाते हैं जैसे अब्दुल्ला अब्दुलरहमान अब्दुल ग़नी ठीक है अल्लाह की बंदी अच्छा उसके अलावा अम्बियात वसलाम के नाम है और हमारे लिए मज़ीद ये कि सहाबाक राम रदी अल्लाह तुम के नाम भी हैं ठीक है, है? जो मीनिंगफुल्स हैं उसके अलावा ये कि जो पहले के नाम जो आप सल्ला वसलम ने बदल दिए या जो जमाने जाहलीत में नाम थे वो बाकी रखे गए तो ज़रूरत नहीं उन नामों की ठीक है अच्छा फिर यानी उनको अल्लाह की पनह में देना अपनी औलादों को भी अल्लाह की पनह में देना और फिर जब यानीबत करना तो दुआ पढ़ लेना ताकि शैतान कि तमाम तरह के हरबों से हमारी हिफाजत हो जाए हम बच जाएँ और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी शैतान से अमान में आ जाएं शैतान से बच जाएं शैतान की हरकतों से सलामत रहें हमारे बच्चे तो इसलिए हमें दुआ पढ़ लेनी चाहिए हिफाजती इंतज़ाम कर लेने चाहिए यानी अपने सेफ्टी के लिए ठीक है और उसके अलावा अपने बच्चों की तरबियत में ये बात बच्चों को भी सिखानी चाहिए इसको सिखाने में कोई शर्म व ख़या की बात नहीं है जिसमें शर्म करनी चाहिए उसमें तो करते नहीं हैं जिसमें नहीं करनी चाहिए उसमें करते हैं ये ख़ा मौह की बात है बेमौका बात है खैर आगे चलते हैं फिर पीर साहब ने बात की है मोज़ात और कराम पर तो इस पर हम बात करेंगे बाद में अभी हम थोड़ी सी और कुछ बात कर लेते हैं हाँ एक चीज़ और याद आई कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो गुनहगार हैं हम तो आम बंदे हैं हम आ, हमारी दुआ अल्लाह ताला कैसे सुनेगा और हमारे लिए ये वो फ़ला ढिमका लेकिन देखिए बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको उनके ज़माने में कौन मौजूद था नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे ठीक है उनके ज़माने में और वो नबी कौन थे उनके दामाद भी थे ये ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम की वालिदा के दामाद थे क्योंकि बीबी मरियम की एक बहन जकरिया अलैहिस्सलाम के निकाह में थी ये आपको मालूम होना चाहिए तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बीबी मरियम की वालदा ने दुआ की अल्लाह ताला से और ख़ुद पनाह में अल्लाह के दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत अच्छे से अल्लाह ने क़बूल फ़रमाया अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया रब वहा पर कबूल हँसा नहीं हूँ अल्लाह ने कबूल भी ऐसे हसन व जमाल के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज़ से कबूल किया बेहतरीन परवरिश बेहतरीन तरबियत उनकी फ़रमाई तो अब देखिए कि हमारे यहाँ क्या है बच्चा होता है पीर साहब के पास लेके भागते हैं जबकि पता भी नहीं कि पीर है भी कैसा ठीक है मौलाना साहब के पास लेके भागते हैं पता भी नहीं बाद में पता चलता है कि मौलाना भी फ्रॉडी था ठीक है ऐसे भी होते हैं ना मौलाना 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 भी होते हैं लेकिन मौलाना फ्रॉडी भी होते हैं ठीक है उनसे बचना भी चाहिए तो हमारे यहाँ माएँ क्या करती हैं बच्चे को लेकर ना खुद दुआ पढ़ेंगी ना खुद दुआ देंगी बच्चों को ना बच्चों के लिए दुआएँ मांगेंगी ना बच्चों का अच्छा सा नाम रखेंगी कहाँ जाएंगी वो नाम निकलवाने जाएंगी ठीक है मौलवी साहब के पास जाएंगे नाम निकलवाने वो काफ़ निकला है वो गैन निकला है इसका नाम गैन से रखना है पहले पहले गैन से नाम ढूंढे जाएंगे वो भाई कहाँ ये बात कहाँ से आ गई है गैन से नाम रखना है काफ़ से नाम रखना है अब गैन से कोई नाम ही नहीं मिल रहा है अब क्या करें उल्टा सीधा कोई नाम गैन से रख दिया ये सब चीज़ें नहीं हैं ये नहीं है ये इतनी तालीम तो आपको होनी चाहिए ना इतना तो आपको मालूम होना चाहिए आप बताएँ में कहाँ है ठीक है वो ये हर्फ आया है कुरान से कहाँ है ये बात के कुरान से आप ना वो नाम का पहला हर्फ निकालें आप कहाँ है ये मतलब कुछ तो इंसान अक्ल से काम ले कुछ तो अक्ल से काम ले क्या हम बिल्कुल जानवरों वाली हरकतें हमने करनी शुरू कर दी अल्लाह की पनाह तो उन्होंने देखे खुद नाम रखा खुद दुआ दी खुद दुआ की और अल्लाह ने कबूल भी फरमाई अब हम कहते नहीं हम तो गुनागार हैं भाई अल्लाह ताला सबका सब का रब है गुनागारों की भी सुनता है आपने कैसे सोच लिया कि आपकी नहीं सुनेगा कैसे नहीं सुनेगा अगर आप समझते हैं कि आप बहुत गुनाहगार हैं तो तौबा करें ना तौबा करके माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला इन अल्लाह उस ज़ुनूब पर वो सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा तो आप तौबा क्यों नहीं करते फिर अगर आपको पता है आप बहुत गुनाहगार हैं आप सर से लेके पाँव तक गुनाहों में हर वक्त वक इन्वॉल्व हैं मुलविस हैं तो आप तौबा करें ना तो फिर भी आप तौबा करने के बाद भी आपने आपको गुनाहगार ही समझें गुनाहों से कोई पाक नहीं हो सकता इल्ला ये कि अल्लाह ताला जब पाक करेगा तो बंदा पाक होगा बंदी पाक होगी तो ये तो गुनाहगार तो हम फिर भी रहेंगे जो नेकोकार अपने आप को नेकोकार समझ रहे हैं इसका मतलब है कि वो नेकोकार नहीं है जब भी तो अपने आप को नेकोकार समझ रहे हैं अगर नेकोकार होते तो अपने आप को वो भी खताकार समझते जितने भी आप देखें अल्लाह के नेक बंदे वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी हमारे लिए कहना चाहिए कि दलील हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाते हैं कि सत्तर से ज़ायद मरतबा तौबा करता हूँ सौ मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ अब बताइए कि अल्लाह के नबी जो मासूम है जिनके हमें पैरवी का हुक्म दिया गया है तो सब चीज़ें पैरवी करते हैं तो इस्तार क्यों नहीं करते नबी कर सल्ला वलम तो इस्तार करते हैं साहबा कराम फिर भी रोते थे कुरान की आयत सुनते थे ऊँटने से ऊँट से गिर जाते थे बेहोश हो जाते थे क्या वो जन्नती नहीं थी उनको नहीं पता था कि मेरे बारे में हमारे बारे में अल्लाह ने रदी अल्लाह का सर्टिफिकेट जारी किया है लेकिन फिर भी डरते थे तो हमें तो डरना ही चाहिए हर हाल में हमने पता नहीं कैसे समझ लिया कि फ़ला मौलाना साहब हैं बस यही कबूल हैं और हम सब तो ऐसे ही हैं हम तो हमारी तो अल्लाह सुनेगा ही नहीं ये तो सोवज़न है अल्लाह से ये अल्लाह से सूवज़न है अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह आपकी नहीं सुनेगा तो वाकई अल्लाह आपके नहीं सुनेगा तो अल्ला सुने अल्लाह आपको कुछ नहीं देगा अगर आप समझते हैं कि अगर हम मांगेंगे और हमारे मांगने से अल्लाह हमें नहीं देगा हम इतने गुनाहगार हैं हमें नहीं मिलेगा तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप ये समझते हैं कि आपको कब्रों से मिलेगा तो आपको कब्रों ही से मिलेगा आप कब्र पर जाएंगे जब भी आपकी मुराद पूरी होगी जब तक आप मुसल्ह पे बैठकर मांगेंगे आपकी मुराद पूरी नहीं होगी क्योंकि आपने ऐसा ही हुन जन कायम रखा है और अल्लाह ने फरमाया आना जन फरमायादम अबदी भी मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ अगर उसने ये गुमान रखा है कि मेरा रब मुझे देगा तो देगा मुसलही पर बैठे बैठे घर में बैठे बैठे आपको मिलेगा अगर आपने ये गुमान रखा है कि आपको नहीं मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा आपने जहाँ से गुमान रखा है आपको वहीं से मिलेगा याद रखिए ठीक है ये सब थोड़ी सी बातें थी जो हमने आपको आपसे की आपसे शेयर की हाँ एक चीज़ और भी गौर कीजिए कि अल्लाह ने न सिर्फ उनकी दुआ कबूल की हालांकि नबी आ सामने मौजूद हैं और उनके ख़ास अपने अजीज़ भी हैं वो लेकिन अल्लाह ने ऐसी कबूल की कि कुरान में बयान किया कि अल्लाह ने बहुत अच्छे से कबूल किया और हदीस में बयान हुआ कि दो ही बच्चे ऐसे हुए हैं बीबी मरियम और उनका बेटा कि जिसको शैतान ने मस नहीं किया ठीक है वरना हर बच्चे को शैतान छूता है और शैतान के यानी छूने ही से उसकी वजह से वो बच्चा रोता है अलबत् हज़रत मरियम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शैतान के छूने से महफूज रहे थे ठीक है यह हदीस जो है बयान हुई है ना बुखारी शरीफ़ में मैंने आपको दिखाया था और फिर अब हुरर रदी अल्लाह तुमने जो सहाबिया रसूल हैं जो बहुत ज़्यादा हदीस बयान करते हैं वो उन्होंने ये बात भी कही कि अगर तुम चाहो तो यह आयत पढ़ लो वन जूहा बिका वज़ुर रियत हा वुल रियत अगर तुम चाहो तो यह आयत पढ़ लो देखे ना यहाँ पुरानी मजीद में हमारे पास ही आयत मौजूद है यहाँ पर ये देखिए ऊपर मौजूद है ये आयत हमने इससे पहले तिलावत की थी इनबी का वजूलता ठीक है मैं तेरी पनाह में देती हूँ इसे यानी इसे कौन ये बीबी मरीम को और उसकी औलाद को शैतान मरदूत के शर से तो अब बताइए कि बीबी मरीम की वालिदा को अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को ऐसे कबूल किया कि शैतान से उनकी भी हिफाजत की उनके बच्चे की भी हिफाजत की और दोनों दुआओं की कबूलियत का अल्लाह ताला ने सब लोगों को सुनाया कि देखो कैसे अल्लाह ने कबूल की उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की अल्लाह से उसने ज़न रखा अल्लाह से मांगा अल्लाह ने उनकी ना सिर्फ उनको मांग दी बल्कि खूबसूरत अंदाज से उनकी दुआओं को उन उनका समरा उनको ज़ाहिर किया दिखाया और दुनिया को भी दिखाया और कुरान में भी बयान किया सुबहान अल्ला वमदेही सुबहान अल्लाज़ीम अल्लाह ताली ही हर तरह के यानी भूल से पाक है और वही अता फ़रमाने वाला है अपने बंदों को भर भर कर और सबकी झोलियां मुरादे पूरी करने वाला है वही मालिक वही यकता वही तनहा अकेला बादशाह है और उसकी बादशाही ऐसी है जो पुरानी नहीं होती और किसी का वो मोहताज भी नहीं है और सारे उसके मोहताज हैं या युन्नास अंतमल्फ़रा ए लोगो तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो अब हदीस नंबर देखिए हम आपको बताते हैं कि बीबी मरियम और ज़क़रिया अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता था तीन हज़ार चार सौ तीस है और ये किताब अलअीस अम्बिया ठीक है किताब है किताबो अहादीस अम्बिया अम्बिया ठीक है अम्बिया का बयान अब आपने ये हदीस नंबर देख लिया पढ़ लिया <coughs> बाकी रावियों के हम नाम छोड़ देते हैं अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तुने और उनसे मालिक बिन सासात ये सादी सा अल्लाह तन ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मराज के मतलक़ बयान फरमाया फिर आप ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए फिर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा पूछा गया कौन है दरवाज़ा खोलने के लिए जब कहा गया कहा तो पूछा गया ऊपर से यानी दूसरे आसमान से कि कौन है कहा कि जबरील आलाम पूछा गया आपके साथ कौन आपके साथ भी कोई है तो कौन है कहा मोहम्मद अलैहि वसल्लम पूछा गया क्या उन्हें लाने के लिए भेजा गया था कहा जी हाँ फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो ईसा और यिया दोनों वहाँ मौजूद थे ये दोनों नबी आपस में क्या हैं खलाजाद भाई हैं दोनों नबी कौन दोनों नबी कहने दोनों नबी आपस में ख़लाज़ाद भाई हैं सलाम और सलाम ये दोनों नबी आपस में जात भाई हैं यानी ईसी सलाम की वालदा कौन है बीबी मरीम यः सलाम की वालदा जो है कौन है वो सलाम की जोज़ हैं ठीक है तो दोनों क्या हो गई बहने हैं तो जब भी तो जात भाई हुए तो जब ये तो दोनों जात भाई हैं बीबी मरीम ईसा की वालदा हैं और यह आमाम की वालदा ज़करियाँ की जोज़ाह हैं ठीक है तो अब जकरिया इस्लाम बीबी मरीम के कौन हुए बहनोई हुए समझ रहे हैं बात को खालू नहीं हुए बहनोई हुए देखिए यदि शरीफ में यहाँ बयान है ये दोनों नबी आपस में खालाजात भाई हैं और आप चाहें तो ये अरबी इबारत भी देख सकते हैं फैज़ा यखिया वीसा वहमा इबना खालतिन दोनों जो है खालतिन यानी खालाजाद हैं ठीक है अच्छा ये मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं कही हम अल्लाह ताला से पनाह तलब करते हैं कि दीन में हम कोई बात अपनी तरफ से कहें यह हदीस शरीफ है आपके सामने मौजूद है आप ख़ुद अपनी आँखों से देख कर अपने ज़ुबान से इसको पढ़ सकते हैं और बस ये थोड़ी सी रह गई बात तो ये पूरी कर लेते हैं हदि शरीफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये यहया और ईसा आसमाम हैं इन्हें सलाम कीजिए मैंने सलाम किया दोनों ने जवाब दिया और कहा खुश आमदीद नेक भाई और नेक नबी ये जमीम का कौन है फ़रमाया हाजा व ईसा फसलम सलाम कीजिए वाले मैं इन दोनों को फसलम तो सो मैंने सलाम किया फ़रदा उन लोगों ने जवाब दिया ठीक है सुम्मा सला फिर उन दोनों ने कहा किन दोनों ने यहम और ईसा इन दोनों हज़रा ने दोनों इन दोनों बुज़ुर्गों ने कहा मरहबम यानी मरहबा ठीक मुबारक है मुबारकबाद और यानी सुलह भाई और फिर क्या फ़रमाया वन नबी साल और नबी हज़रत बीबी मरीम के नशो और उनकी इज्जत अफज़ाई के बारे में रबत बारक वत हमें बता रहा है कि उसने हजरत बीबी मरीम अलैहिस्सलाम की वालदा की नज़र की वजह से उनको यानी पसंद फरमाया उसे पसंदीदगी के साथ कबूल फ़रमाया वह अम्बता नबाता हसाना और उसकी अच्छी तरह परवरिश की उन्हें खूबसूरत शक्ल और पुरौनक सूरत अता फरमाई इसबाब कबूलीत को उनके लिए आसान कर दिया और उन्हें अपने नेक बंदों की रफ़ाक़त फ़रमाई जिनसे उन्होंने नेकी इल्म, दीन आ, इसको सीखा इल्म दीन को सीखा वकफला ज़करिया वकफ़ला और ज़करिया आमाम को उनका कफ़ील बनाया ताकि उनसे इल्मनाफ़े और अमल सवाल हासिल कर सकें हमारी बातें काफ़ी तवील हो चुकी हैं लेकिन अभी कुछ चीज़ें रह जाती हैं हमारी तो देखिए जो हम कवर कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ज़िक्र हुआ है कि जब ज़करिया जकर यानी उनके महराब में तशरीफ़ लाते तो उनके पास नए नए रिस्क पाते ठीक है नया वजह आइंदा यानी उनके पास नया रिस्क पाते तो रिस्कन वैसे यहाँ वाद का सीका है लेकिन आप ही समझ लें जैसे आप एक टोकरी हो आपके पास और टोकरी में आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हों तो आप उसकी तरफ से जो है यही यही कह देते हैं ना ये ठीक है एक ही मैंने सीने में आप इशारा कर देते हैं हालांकि उसमें चीज़ें बहुत सारी होती हैं बीबी मरियम ने ये बात कह के बात ख़त्म कर दी कि ये सब अल्लाह के पास से सब अल्लाह की तरफ से है अब आप एक चीज़ इसको यहाँ पर नोट कीजिए कि ज़ाहिर है बीबी मरियम नबी तो नहीं है क्योंकि कोई ख़ातून नबी नहीं बनाई गई तो अब बीबी मरियम के यानी हजरे में ये सारे जो यहाँ पर यानी कराम जो मज़ाहिर ज़ाहिर हो रहे हैं तो कि उनके पास यानी फल आ रहे हैं फ़्रूट्स आ रहे हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त है उनकी इज़्ज़त अफज़ाई हो रही है उनके खातिर मदारात हो रही है तो क्या बीबी मरियम अज खुद इसको यानी लेकर आ रही हैं या ये अल्लाह की तरफ़ से है ठीक है क्या उन्होंने बयान किया उन्होंने कहा सब अल्लाह की तरफ़ से है यानी अल्लाह तौर ने उनको अच्छे से कबूल किया है उनके खातिर मदारा भी बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह तला फरमा रहा है और ये बरहक है कि नबी आम को मोजात दिए जाते हैं और अल्लाह के नेक बंदों को वली को करामतें अता की जाती हैं लेकिन एक चीज़ याद रखिए क्या करामतें जो है इंसान के इख्तियार में होती हैं किसी बुजुर्ग के इख्तियार में होती हैं नहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के अख्तियार में होती हैं ये आप कुरान से आप देखेंगे कुरान से ये बात अल्लाह ताला ने वाजे कर दी है ठीक है बिल्कुल साफ़ इसको ज़ाहिर फरमा दिया है कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कराम का मुनकर नहीं होना चाहिए करामतें बेशक है। सच और हक़ हैं लेकिन कराम को ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये वलियों के इख्तियार में हैं जेब में रखे हुए नोट की तरह जब चाहे वो निकाल के जिसको दे दे ऐसा नहीं है जो बातें आदत के खिलाफ नबियों से जिनका सदूर या ज़हूर हो उसको मोज़ज़ा कहते हैं और जो वलियों के साथ हो उसको करामात कहते हैं करामत कहते हैं बहरहाल इसको याद रखिए कि ये जो है अल्लाह के हुक्म और उसकी मशीयत से होता है ठीक है नबी या वली के यानी ये इख्तियार उनकी मर्जी उनकी मंशा से जब चाहें जैसे चाहें ये बात नहीं है ठीक है ये कुरान से ही आपको दिखा देते हैं भी इन एक आयत अच्छा उसके बाद ये है कि मोज़ज़ा हो या करामत उसको याद रखिए कि ये इस बात की दलील होती है मोज़ज़ा और करामत किस बात की दलील होती है ये दलाइल होते है ये हैं कि ये हजरात अल्लाह की बारगाह में ख़ास मकाम रखते हैं नबी का तो मकाम ख़ास होता ही है लेकिन उनके दौर के लोगों को दिखाया जाता है क्योंकि बाद वाले तो जाहिर है सिर्फ पढ़ते हैं सिर्फ सुनते हैं ठीक है देखते तो नहीं है लेकिन जो लोग मौजूद होते हैं वो देखते हैं उनका ईमान मजबूत होता है कि वाकई ये अल्लाह ताला के पास से ख़ास मक़ाम रखते हैं ख़ास मकाम रखते हैं थोड़े से पानी को इतना कर दिया थोड़े से खाने खाने को इतने लोगों ने खा लिया उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला, ताला ने उस तेने में इतनी बरकत डाल दी एक पहले दूध में सत्तर लोगों ने पी लिया दस लोगों का खाना तीन सौ लोगों ने खा लिया थोड़े से पानी में इतनी बरकत हुई कि पंद्रह सौ लोगों ने पिया भी नहाया भी धोया भी अपने बर्तन भी भर लिए तो उनके ईमान को कुवत मिलती है जाहिर है कि नबी के सामने देख कर नबी पर ईमान लाना यकीन करना और तस्दीक करना और उनका साथ देना सपोर्ट करना उनके दीन के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान करना एक मामूली बात तो नहीं है बहुत बड़ी बात है बाद वालों के लिए तो कदरे फिर भी आसान है लेकिन जिस वक्त लोग मौजूद होते हैं तो उस वक्त के लोगों का मकान वरतबा इसीलिए बड़ा है कि उनको देख कर तस्दीक करना ये बहुत बड़ी बात होती है तो इसलिए नबियों को मुजजात अता किया जाता है और जब लोग तकाजा करते हैं या जब ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह की बातें यानी दिखाई भी जाती हैं अम्बिया की तरफ़ से लेकिन ओलिया का मामला थोड़ा सा इससे मुख्तलफ होता है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं अब चूँकि टाइम ख़त्म हो गया मेरा और यकीन अब आप भी बोर होना शुरू हो गए हैं कि ज़ाहिर बात तवील हो गई तो बस मुखसरा अब इतना समझ लीजिए कि उनका मकाम तो ख़ास है वो अल्लाह की बारगाह में ख़ास मकाम रखते हैं लेकिन इससे ये बात जो साबित की जाती है तो ये अमर साबित नहीं होता कि ये मकबूल मकबूल बारगाह हैं या मकबूलिन बारगाह के पास कायनत में तसरफ करने का इख्तियार है कि कायनात में तसरफ कर रहे हैं जैसा कि बहुत से लोग इस तरह की मनी बातें बयान करते हैं और बावर कराना चाहते हैं ठीक है के यानी और की करामतों से आवाम को यानी ये कुछ समझाना चाहते हैं कि उनके की अकीदों को पुख्ता करते हैं और उनको शिरक में मुबतला कर देते हैं कि जनाब उनके पास तो कायनात में तसरफ का इख्तियार है वो जो चाहें जैसे चाहें कर लें अब यहाँ हालाँकि आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है आप जरा बीबी मरीम की ज़िंदगी पर भी गौर कर लीजिए कि एक कमरे में हजरे में इबादात के लिए वक्फ़ें ठीक है दीन की खिदत के लिए दीन के कामों के लिए दीन को सीखने के लिए वक्फ़ हो गई हैं ना कुछ वो ज़ाहिर है कहीं पर कमाने जा रही हैं ना खाने तो इन यकीन इंसान को अल्लाह ताला ने ख़ाली पेट नहीं बनाया उसको भूख भी लगती है प्यास भी लगती है उसकी ज़रूरत भी हैं उसकी हवाइज भी हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया जकरिया अलैहि सलाम लाजमी बात है कि उनके साथ और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो वो नबी हैं नमाज़ भी पढ़ाते हैं दीन भी सिखाते हैं ठीक है तबलीग भी करते हैं फिर उसके अलावा ये कि जिहाद भी नबियों के साथ एक मस्किल एक उनके साथ ये चीज़ मलहिक होती है कि जिहाद एक का सिलसिला होता है तरीक़ों से तो अब जाहिर है कि वो मुस्किल दुनिया कमाने के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए तो वक्फ़ नहीं है जैसे कि हम लोग हैं तो अब बीबी मरियम को ज़ाहिर है जब ये ज़रूरियात पेश आती हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इंतज़ाम किया है वो किसी को करिश्मा तो नहीं दिखा रही हैं ये अल्लाह ताला ने उनको यानी ये अल्लाह ताला ने उनके लिए बंदोबस्त फ़रमाया कि आपके पास खाने पीने की अशिया रखी हैं जब आप नमाज से इबादत से अपने कामों से फ़ारिग हों भूख लगे तो आप उठा के खा लीजिए इसको अब हमारे यहाँ तो क्या होता है कि करामतें बताई जाती हैं पीर साहब जो है ना कराची में थे लेकिन लाहौर में गए तो वहाँ इज्तम में बिस्तर बिछा रहे हैं तो किसी को किसी को पानी पिला रहे हैं किसी को खाना खिला रहे हैं इस तरह की करामतें कोई जिक्र है कुरान मजीद में वक्त ज़रूरत के लिहाज से बुज़ुर्गों की करामतें जो जिक्र हैं हमारे यहाँ तो कुछ और ही करामत के नाम पर बयान हो रहा है ठीक है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कुरान पढ़ के और जो ख्वाब की सूरत में और पता नहीं क्या क्या करामतें बयान हो रही बस क्या कहा जाए बस चल पड़ती है उनकी करामत से मतलब बहुत कुछ मतलब यानी वो बावर करा रहे हैं क्या कह सकते हैं जो सही है वो बात तो सही है कुरान और हदीस के मुताबिक है वो तो है लेकिन जो उसके ख़िलाफ़ है बस उसके लिए क्या कह सकते हैं वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता हम आह भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम अब अगर कोई कुरान और हदीस के सच्ची बातें करे तो वही सबसे बड़ा मुजरिम कहलाता है ठीक है कहते हैं हाँ जी नए नए आए हैं ये कोई नई बातें कर रहे हैं दीन में बहरहाल क्या कह सकते हैं अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं अपने लिए भी और औरों के लिए भी आइए बस एक आपको आखिरी आयत दिखा कर उनशाला फिर बात को लपेट देते हैं अपनी और नेक्स्ट टाइम इन सेहत रही तो फिर इस बात को कंटिन्यू करेंगे देखिए कि काफिरों ने क्या कहा था नबियों से अल्लाह ने यहाँ पर ज़िक्र किया है सुर इब्राहिम है ये और देख लीजिए उन्होंने कहा था फ़तून बसुल्तान मुबीन उन लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास ले कर आओ अब कोई रोशन सनद हमारे पास ले आओ ये अहमद रज़ा का ही तरजुमा है सुर इब्राहिम है आयत नंबर आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये ग्यारह है तो फरमाया कि अब कोई रोशन सनत हमारे पास ले आओ ठीक है क्या ले आओ रोशन ये आयत नंबर दस है सॉरी आयत नंबर जो है दस है फरमाया कि अब कोई रोशन सनत हमारे पास ले आओ सनत से क्या मुराद है ठीक है ये सुल्तान सुल्तान क्या मतलब है इसका यानी कोई दलील लेकर आओ फ ना हमारे पास लेकर आओ हमारे पास ठीक है उनका ये दावा होता था हमारे पास लेकर आओ हमें कोई बुरहान कोई दलील दिखाओ ठीक है जब हम तुम्हारी बात मानेंगे नबियों से उनका मुतालबा होता था उनके वक्त के उनके ज़माने के कुफ़ार का ठीक है तो फिर वो जवाब देते कालत लहुम रसूलहुम उनके रसूल रसूलों ने उनसे कहा ठीक है जवाब में कहा उनके जवाब में मैंने भी आपको ऊपर आयत सुनाई उनके जवाब में रसूलों ने क्या कहा नहनों ठीक है इन नहनों बशर उम

कि जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है रसालत के लिए नबूत के लिए मंतख कर लेता है ठीक है उन पर वही का नजूल फरमाता है उनको शरीय देकर भेजता है ममा काना लाना अन्नातीकुम और हमारा काम नहीं कि हम तुम्हारे पास ठीक है अननाती यकुम कि हम ले आए तुम्हारे पास ठीक है हम ये कर ही नहीं सकते उन्होंने कहा बेसुल्तानन ठीक है कुछ संद ले आएँ कि हम ले आएँ तुम्हारे तो पास कोई सनत उन्होंने सनत मांगी थी ना बेसुल्तान बेसुल्तान मोबीन वाज सनद मांगी थी इन्हें दलील मांगी थी दलील क्या है मज़ा मांगा था तो यहाँ चूंकि रसूल का जिक्र है तो एक रसूल की बात नहीं हो रही तो सारे रसूलों का यही जवाब होता था तो वही कहते थे कि हम कैसे सनद ले आएँ कैसे दलील ले आएँ कैसे तुम्हें मजदा दिखाएँ कुछ सनद ले आएँ लेकिन किस तरह से इल्ला हरफ इस आया बेज़न ला है मगर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की इजाज़त से यानी जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो अल्लाह का अमर ना हो अल्लाह की इजाज़त ना हो तो हम मौजा कैसे दिखा सकते हैं तुम्हें कैसे हम तुमको मौजा दिखाएं ला के ठीक है हम कैसे ले आएँ अल्लाह की इजाज़त के बगैर जब तक, तक उसका हुक्म नहीं होगा तुम लाख जाहिर है अल्लाह तला तो किसी का पाबंद नहीं है कि तुम कहो और बस मुजज़ा दिखा दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ईमान तुम मोहताज हो अल्लाह तो गनी है तो यहाँ पर नबियों ने क्या फ़रमाया कि हम यानी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई मुजज़ा नहीं ले आते कोई हम दलील नहीं लाते ठीक है मगर ये कि अल्लाह की इजाज़त से मगर ये कि क्या है मगर अल्लाह के हुक्म से अहमद रजा भी देखिए यहाँ तर्जुमा कर रहे हैं ना और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए ठीक है क्या चाहिए वाल ला फवकल मेन मुसलमानों का तो कान यही है कि वह अल्लाह पर भरोसा करें देखें ये बात अहमद रजा ने यहाँ पर तस्दीक की है मानी है ना बाद में ना माने और बात है बाद में वो अपने बुज़ुर्गों पे भरोसा करें अपने पीरों पे भरोसा करें अपने मौलवियों पे भरोसा करें वो और बात है अपने अशार में लेकिन देखें कुरान के तर्जुमे में तो ये बात उन्होंने मान ली है ना कि मोमिनों को मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए अब ये देखिए यहाँ पर नबी की बात यहाँ बयान हो गई ना कि नबी जो है वो खुद नहीं लेकर आते बल्कि जब अल्लाह का हुक्म होता है उसका इजिल होता है तो वो मो उनसे ज़ाहिर होते हैं रूनुमा होते हैं और उनका सुदूर होता है तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए ठीक है उल्टी सीधी बात करने से पहले कुरान मजीद से रबा कर लीजिए अहदी से मुबारक से राबा कर लीजिए सारी बातें वाजे हो जाएंगी वाखिर दावाना अल्लाह हम सब का हामीनासर हो